हाँ जी देखो एयरलाइन से ना, ठीक है, आप जो ए इत आ गई है, ठीक है, यदा मतलब कि तुम 180 डिग्री दे एंगल ना तो ही टर्न की थी, ठीक है। हम भी तो वेखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कि बनाती है 180 डिग्री का, ठीक है। फिर यो स्ट्रेट लाइन उपर चल गई है घूम के, यद पहले मैंने 180 डिग्री का ही की किया, टर्न किया, फिर 180 का टर्न किया। हाँ जी बच्चों, तो कि बन गया 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री मतलब तुहाडा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और जिहड़ी शेप आ वह इक्को नाल दी दिखाई दे रही है, ठीक है, जे असी 180 डिग्री ते टर्न करते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इतने 1 टर्न करती 2, यदा मतलब कि ऑर्डर कितना आ गया 2। हाँ जी बच्चों, यदा यही हम पूछा जी किन्ने ऑर्डर ते करती है, किन्ने ऑर्डर ते करती है, 1 ते 2। यदा आंसर आप लिखेंगे 2। सो यदा आंसर आ गया 2, मतलब कि 2 बारी उन्हें रोटेशन ली है। बच्चे सैकेंड पार्ट एडा 180 का एंगल बनया, सानू पता है कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल के होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां इहनू रोटेट करके वेखना है कि किन्ने ऑर्डर से रोटेट होंगे, 1 ऑर्डर से कि 2 कि 3 से, ठीक है। मतलब कि उद तक रोटेट करते जाना जब तक रोटेशन सिमिट्री नहीं बन जाती, ठीक है। जो भी रोटेट करना वा उस एंगल से रोटेट करना वा कि जिहड़ी फिगर च तुहानू देखण च सेम ही लगे। हाँ बच्चे, यह फिगर आ, ठीक है, मैं इतने पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। पी पॉइंट मैं वेखो बच्चों पहले वर्गा ही क्वेश्चन बनता एक हिसाब नाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इस तरह ही लाइन सी, ठीक है। हाँ जी, तो की होया वा इनू आपा एक ही स्ट्रेट लाइन आ, ठीक है। इनू आपा पी नू इस तरह के इत्थों आपा आ बच्चो सेंटर आ, ठीक है, सारे सेंटर ड्रा कर लिए, ठीक है। सेंटर तो घुमा बच्चे जो आप इतों इन घुमाया, घुमाते घुमाते आप इतने पी इतें आ गई, बच्चों पी जी घूम घूम के इतें आ गई। हाँ जी बच्चे, तुम्हें पता वा कि एड़ा एंगल इन्ना कि 180 का होंगे, 180 मतलब 180 से इन्हें टर्न ली, ठीक बच्चो। फिर इन्हें पी ने इतों टर्न ली आ इस तरह के, ठीक है, मतलब कि इतों टर्न ली आ, तो इतने इस भी कि एंगल बनेगा 180 डिग्री का। हाँ जी बच्चे, तुम देख रहे हो ना कि हम पी जी है यह वाली आ, पी कितने चल गई घूम के इतने आ गई आ, मतलब अपनी इनिशियल फिगर वगू ही दिस रही आ। और तुसी जो इतने टर्न ली तो भी फे शेप सेम दिस रही आ, जो तुसी यह फिगर बनाई है तो भी शेप सेम ही दिस रही आ, और लेकिन पी का जरा पोजिशन आ वो चेंज होंगी जा रही आ, और चेंज होकर पहली पोजिशन पर पहुँच गई आ। इस गल का भी जरूर ध्यान रखना वा, तो ही सूँ पता लगेगा कि किन्ने डिग्री का एंगल तेनू टर्न किया वा, ठीक है। हाँ जी, जो एक बार टर्न की 180 दूजी तो 180 ही टर्न करना। बच्चों मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिनी हाँ। हाँ जी बच्चों, प्रैक्टिकल करके तुम होर क्लीयर हो जाएगा। बच्चों मैं सेम ए जी प्रैक्टिकल कर लगी आ, देखो मैं इतने पी पॉइंट इतने लिया, इतने भी पी पॉइंट लिया, और आ जी लाइन जी स्ट्रेट लाइन आ, स्ट्रेट लाइन तो किन्ने डिग्री एंगल बनता 180 डिग्री का, ठीक है। हाँ जी बच्चों, मैं बना लिया वा सेंटर, ठीक है। हाँ जी, सेंटर तो बच्चों बच्चे रोटेट किया, देखो जे ए पी इधर जाऊगी मतलब 180 तो रोटेट कर रही है, आप देखो बच्चों ए देखो किन्ने तो रोटेट किया 180 से, तो हूँ पी जी है बच्चों देखो इतने आ गई, ए पी आ गई ना इतने, ठीक है। हूँ फिर इन्हें इधर रोटेट करना वा, तो पी ने कितने चल जाना, इतने चल जाना। नैक्सट फिगर बनूगी, ये भी 180 से ही रोटेट करूँगी मैं, ए देखो जी, ठीक है। जिहड़ी क्वेश्चन तुहानू क्लीयर ना आवे उन्हें प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। देखो बच्चों, इस तरह की फिगर बन गई, पी इतने चल गई है,
तो जी पहली फिगर से उतो ही पी इतें से यदा मतलब दो ऑर्डर लाए यदा आंसर क्या आया टू ऑर्डर हूँ आप टू ऑर्डर आंसर लिखा गए। हाँ जी बच्चो यदा बी का आंसर की आ टू। सैकेंड का थर्ड क्वेश्चन देखो ठीक है ये कि इक्वालेंट ट्रैंगल की तीन साइड की है इक्वल आप इतों की करा सेंटर तो रोटेट करा। हाँ जी बच्चो यदा वेखो इतने की है सेंटर ठीक है एम ए पी पॉइंट लाया बच्चो तुसी पी पॉइंट वाल ही ध्यान देना वा कि पी पॉइंट कितने जा रहा वा ठीक है इतने तुम इन ट्रैंगल किया रोटेट ठीक है तो ये पी साढ़े को आ गया इतने ठीक है एक बार रोटेट किया फिर तुम रोटेट किया पी इतने चल गया ठीक है फिर तुम रोटेट किया ए पी नू ए पी उपर चल गई यदा मतलब कि इतों जा रही है ठीक है बच्चों वन वारी रोटेट किया टू वारी और थ्री वारी रोटेट किया ठीक है। हुण तुसी वेखो बच्चो वेख रहे जो ना कि भावें पी इत्थे आया भावें इत्थे आया तो भावें इत्थे आया ठीक है पर जिहड़ी है डायग्राम जिहड़ी आ फिगर आ उहदी जिहड़ी आ शेप नहीं बदली ठीक है। हाँ छे बच्चे उ रहनी आ ठीक है आपू टर्न ही उतों तक करते जा करते रहना जब तक वो शेप वह नहीं रही ठीक है। हूँ बाबा पी नू इतें भी छड़ सकते ही पर शेप बदल जानी सी ठीक है पी नू आप इतें भी छड़ सकते लेकिन शेप बदल जानी सी उन्ना चेर आप रोटेट करी जाना वा जब तक यदी शेप जी आह नहीं बन जाती इस गल का भी ध्यान रखना ठीक है। और हम पूरा इन्हें सर्कल ला लिया ठीक है पूरा सर्कल कि 360 का ए मैं 360 का सर्कल ला के वो अपने पहली पोजिशन से पहुँच गई है। वेखो बच्चे आ डायग्राम ये पर हो गई ना सेम पर कदों जाग बनी जो उन्हें थ्री ऑर्डर ले हूँ यदा आंसर की आ थ्री ठीक है। हाँ जी बच्चे यदा आंसर की आ थ्री। बच्चो डी पार्ट देखो हूँ आप इस फिगर नू रोटेट करना वा। हाँ जी देखो हूँ आप डायग्राम नू रोटेट करना है मैं पी इतने लिख लिया इतने आप सेंटर आ ठीक बच्चो यह की आ सेंटर सेंटर तो रोटेट किया इतों रोटेट किया ठीक बच्चो इतों रोटेट किया पी इतने आ गई ठीक है फिर इतों रोटेट किया इतों रोटेट किया पी इतने चल गई ठीक है वन ऑर्डर टू ऑर्डर फिर बच्चो इतों रोटेट किया तो पी जी है इतने चल गई इतों रोटेट किया तो पी इतने आ गई ठीक बच्चो। हाँ जी बच्चे हम तुम वेख रहे जो ना इको ही एंगल जिन्ना ही रोटेट किया सेम एंगल तो रोटेट कर कितों पता लगता बच्चे उतों पता लगता कि जो शेप जी फिगर की नहीं बदलती ठीक है यदि शेप नहीं बदलूगी तो यदा मतलब आ कि असी एंगल सेम ही लै रहे हैं ठीक है सिर्फ पी की पोजिशन बदल रही है ठीक है किन्ने ऑर्डर चुने वन टू थ्री एंड फोर। हाँ जी बच्चे आंसर की है वा फोर हूँ आप आंसर लिखा यदा। हाँ जी डी का आंसर की है बच्चो फोर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखो एप आगे है वा ठीक है हूँ आपू की करना वा रोटेट करना है तो वेखना कि किन्ने ऑर्डर से रोटेट हो रहा वा। हाँ जी बच्चो आप पी पोजिशन इतने दे दिए इतों तुसी सेंटर तो इस करके रोटेट किया ठीक है पी कितने आऊगी इतने आऊगी ना। हाँ जी ठीक है इतों रोटेट होया ठीक है
फिर इतों रोटेट हो गए, इतने रोटेट किया पी इत आ गया, ठीक है। फिर इतों रोटेट किया पी इत पहुँच गए, ठीक है। फिर बच्चों पी इतें रोटेट किया तो पी इतें आ गई। बच्चों तुसी देख रहे हो ना, डायग्राम सेम ही आ, फिगर सेम ही आ, लेकिन पी की पोजिशन ही बदल रही आ। कितनी बार करन ते बदली? 1, 2, 3 एंड 4। हाँ जी बच्चों, 4 ते जाके अपनी इनिशियल जी फिगर सी उदे वर्गी बन गई। इहदा मतलब इहदा आंसर की आ? 4। हुण आपां इहदा आंसर लिखांगे। हाँ जी बच्चे, आप आंसर की लिखांगे? 4। हाँ बच्चे, हुण आपां एफ पार्ट करांगे। हाँ जी बच्चे, वेख रहे ना, 1, 2, 3, 4, 5 रैगुलर पोलीगोन आ, ठीक है। 5 साइड आ, इहनू की बोलदे आ? पेंटागन, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इस तरह रैगुलर पोलीगोन दे आप ऑर्डर लै सकते हैं, ठीक है। हम बच्चे यह डायग्राम आ, ठीक है। आप इतने पी पॉइंट लिया, ठीक है। इतों आप सेंटर लिया, ठीक है। जो आप सेंटर तो इतों इनू रोटेट करांगे तो इतने आजगा, क्योंकि सारी साइडा इक्वल ही आ, ठीक है। इतों रोटेट किया, नैक्सट आ गया। बच्चों तो तुम चंगी तरह समझ आ ही गई है, इतों रोटेट होया इतें आ गया, ठीक है। बच्चे पोजिशन जड़ा वा पी अपनी बदल रहा वा, फिर इतों रोटेट होया इतें पहुँच गया। बच्चे रफ जी डायग्राम बना के सिर्फ तुझ देखना ही आ, बस भी कि बार रोटेट हो रहा। हाँ बच्चे, इतों रोटेट होया इतने आ गया, ठीक है। आंसर सिर्फ तुम उ लिखने जोड़े मैं दसन दी है, ए 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 जोड़ा भी ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। आ जोड़े डायग्राम आ ये सिर्फ तुम समझा करके आ, ठीक है। एगो तुम रफ जि डायग्राम बना के अपना चैक कर सकते जो, ठीक है। हम देखो कि बार ऑर्डर आया, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी बच्चों, हूँ यदा ऑर्डर की है वा 5। मतलब कि तुम देख रहे हो ना कि इतने पी सी इनिशियल जी फिगर आ, पी इतें सी, तो इतने इतने भी पी इतने आ चुकी है, ठीक है। तो दूजी गल ये वेखनी होंगी कि इको ही सेंटर लैना, उतो ही घुमाना है, तो इको ही एंगल लैना, 19 डिग्री तक ही घुमाना। आ गया 5 ऑर्डर, ठीक है। हम आप जी पार्ट करांगे। हाँ जी देखो बच्चों, जी पार्ट ए डायग्राम बनी है, ठीक है। एक स्टार बनिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बच्चों 6 टाइप तो इतने आप कर दिए तो ट्राइंगल जी बन जाती ना, इस तरह ही बनानी आप। हम बच्चों ए आप को स्टार सी, ठीक है। आप इतने पी पॉइंट इतने शो करता, साडा ध्यान जो आप रोटेट करते हैं, ताडा ध्यान जड़ा वा पी वाल जाना चाहिए कि पी कितने पहुँच गई है, ठीक है। तो आप इनू इतों रोटेट करना, ये सेंटर आ, सेंटर तो रोटेट करके इस तरह आप सेंटर तो रोटेट किया बच्चों, इस तरह के पी ने इतने आना है। फिर सेंटर तो रोटेट किया पी इतने आजगी, फिर सेंटर रोटेट पी इतने आजगी, इस तरह पहुँचती पहुँचती पी इतने पहुँच जूगी, ठीक है। तो जे पहुँच गई है तो यदा मतलब कि आप ऑर्डर गिन सकते हैं कि किन्ने ऑर्डर लैके ये पी अपनी ओरिजिनल थान पर आ गई, अपनी इनिशियल थान पर आ गई, ठीक है। हाँ जी बेटे, इनिशियल थान पी दी इत्थे आ, ते मतलब कि ऑर्डर लैके भी रोटेशन लैके भी उन्हें इत्थे ही पहुँचना पैना वा, ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चे, आप रोटेट कर लगे आ, पी जी इत्थे आ गई आ, इतों फिर पी जी इत्थे पहुँच गई आ, ठीक है। इतों भी पी जी इतों पहुँच गई है, इतों पी इत मूव कर गई है, और इस तो बाद जी पी आ इतों इतें मूव की आ, नैक्सट जी आ पी जी इतें मूव की, ठीक। हाँ जी बच्चे, 1 टर्न 2, 3, 4, 5, 6 6 बारी आपां नूं रोटेट किया,
ठीक है, मतलब कि तीन कर्मा दे विच जड़ी आ पी अपनी पहली पोजिशन ते आ गई। इत्थे पी कित्थे आ बच्चों, इत्थे आ, इत्थे पी इत्थे आ, नैक्सट अगे जाई जा रही मूव हो रही आ, इत्थे पी इत्थे आ गई आ, ऐ पी इत्थे पहुँच गया। देखो बच्चों मैच कर रही ना, पी दी पोजिशन इत्थे सी, पी दी पोजिशन इत्थे आ गई। आपां सेम एंगल नाल ही रोटेट किया, सेम एंगल देखो सपोज कर बच्चे अपन पता नहीं आ कि आप किहड़े एंगल तो रोटेट किया, पर आप उन्ना चेर रोटेट करी जाना वा जब तक, मतलब सपोज करो मैं इतों पी रोटेट करना शुरू किया तो मैं पी इतें नहीं छड़ सकती, मतलब पी नू मैं रोटेट करके इतें नहीं छड़ सकती, उन्ना चेर उन्हूं तुसी मतलब कि घुमाई जाना वा जब तक कि ये जिहड़ी फिगर आ सेम फिगर नहीं बनती। ठीक है, इस तरह इन घुमाई जाना वा, रोटेट कर जा जिन तक कि इहदी शेप जिहड़ी आ सेम फिगर नहीं बनती, उद तक मैं जो सेम फिगर बनी गई जिहदा मतलब तुहाडी एंगल दी जिहड़ी आ रोटेशन आ उह सही आ। एको बच्चो इहदा आंसर की आ? हाँ जी बोलो बच्चो की इहदा आंसर आ? इहदा आंसर हैगा वा सिक्स। हुण आपां सिक्स लिखांगे। हाँ जी इहदा आंसर की आ? सिक्स। हुण आपां करांगे एच पार्ट। बच्चे हुण आपां एच पार्ट करांगे। ठीक है, इस च वी आपां की दसना, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, हाँ जी बच्चे तुसीं डायग्राम देख रहे हैं ना, वेखो बच्चे जिहड़ी डायग्राम जिहड़ा को कॉम्प्लीकेटड हुंदी आ उहनूं आपां प्रैक्टिकल करके विंदे आ तां आपां नूं चंगी तरह समझ आउंदी आ। ठीक है, हाँ आपां इहदा वी प्रैक्टिकल ही करांगे तां फिर पता लगेगा कि वाकई रोटेट हो रही है, यह चीज़ इतने जा रही है, यह चीज़ इतने जा रही है। हम सपोज करो बच्चो मैं इतने मान लो कि पी इतने लै रही है। ठीक है, तो जो मैं इतों की आ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो मैं रोटेट किया है ना, जो बच्चों मैं इतने सेंटर पॉइंट तो रोटेट करूँगी। ठीक है, तो आ चीज़ जी कि आनी आ ये पी कितने आ जूगी, इतने आ जूगी, मतलब इतों मैं पहला रब करूँगी तो फिर इतने लियाऊगी ना, ये पी इतने आ जानी है। ठीक है, घूम के। ठीक है, फिर जो मैं इतों रोटेट किया तो ये की पी जी घूम के कितने चल गई आ, उपर चल गई है, इतने आ गई है। ठीक है, ठीक बच्चो, फिर मैं इतों रोटेट किया तो ऐड़ी पी आ वो इतने चल गई है। ठीक है, हाँ जी हूँ आप पी इतें लग जाओगे। बच्चों मैं तुम्हें ये गलत नहीं है मटे मटे दसन दे भी पी इतों इतें हूँ चल गई आ, तो जे इतों जाऊगी तो ही आप इतों मिटूगी तो ही उत्ते जाऊगी। हाँ हूँ पी इतें आ गई है, इहदा मतलब कि पहला मैं रोटेशन इतें लई वन टाइम, फिर मैं रोटेशन इतों लई सी टू टाइम, फिर मैं रोटेशन इतों लई ही थ्री टाइम, मतलब वन टू थ्री ते आन के जड़ी आ पी इत्थे सी ते पी इत्थे आ गई। ठीक है बच्चो, हुण ये जड़ी डायग्राम थोड़ी कंप्लीकेटड आ, इस कोलों मैं तुहानूं प्रैक्टिकल करके दिखानी आ। ठीक है, कि प्रैक्टिकल दे विच किस तरह आ चीज़ इत्थे दिखाई दिंदी आ, आ चीज़ किस तरह इत्थे दिखाई दिंदी आ। ठीक है, सेम पोजिशन जी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाउण लगी आ, सेम पोजिशन सी जिहड़ी बुक ते डायग्राम बनी सी इस पोजिशन च सी। ठीक है बच्चों, ए मैं पी ना रख दिता। ठीक है, हाँ बच्चों पहले ध्यान ना देख लो, सेम पोजिशन दे विच मैं ए फिगर नू रख्या, मतलब प्रैक्टिकल करके तां दिखाउण लगी आ, इस पोजिशन च मैं रख दिता, बुक ते भी इहो पोजिशन आ। ठीक है, हाँ जी हुण मैं इत्थों रोटेट करन लगी आ। ठीक है, उन्ना चेर रोटेट करते जाइदा वा जिन्ना चेर फिगर सेम नहीं दिखाई देंदी, मतलब कि दिखाई देनी चाहिए है सेम फिगर। आखो मैं रोटेट किया ए बच्चे, ठीक है इतों तक रोटेशन चल गई। ठीक है, ऐ रोटेट हो गई, हूँ बच्चे पी इतें सी तो पी कितने आ गई, आपको इतने आ गई। ठीक है, इन्हें एक रोटेशन ली। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, पर पी जो इतने आ गया पर फिगर च कोई फर्क नहीं पिया, फिगर सेम ही दिखाई देती पी आ जड़ी के बनी हुई सी। फिर दूजी रोटेशन ली आप, उन्ना चेर रोटेट करते जाना जिन्ना चेर वो पहली पोजिशन नहीं लेंदी इतों तक है। ठीक है, ऐ हो गई। ठीक बच्चो, हूँ पी कितने आ गया, इत थोड़ी जी होर कर दी, इतों तक जा रही। बच्चो हूँ सेम पोजिशन दिस रही आ जड़ी के फिगर बनी सी साड़ी बुक दते। ठीक है, यदा मतलब इतों तक रोटेट होना, यह हम अपनी मर्जी ना नहीं भी जिसों तक मर्जी रोटेट कर देना, उदों तक रोटेट करी जाना वा जब तक आपू जी सू फिगर गिवन आ उस दी नहीं दिसती। हूँ उस तरह दिसदी पी ना, यदा मतलब कि तुसी किन्नी रोटेशन ली पी इतें ही, हूँ पी कि आ गया इतें आ गया। ठीक है बच्चों, ए पी आ गया ना, दिस रहा ना। हाँ, दो रोटेशन ली आप, पर पी कितने चाहिए सी, इतें चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग आप इतों की सी। फिर करा आप बच्चो पहली पोजिशन साड़ी डायग्राम आ गई। ठीक है, हूँ पी इतें तो पी थोड़ी जी इस तरह आ पहली पोजिशन। ठीक बच्चो, हाँ जी ए पहली पोजिशन दिस रही ना मेरे को चंगी तरह, इतों स्टार्ट की तो इतें ही आन के पी आ गई, इतें पी रही सी तो इतने पी वापस आ गई। मतलब अपन किन्ने टर्न चो किता अपा टर्न तीन टर्न ली है। ठीक है, यदा मतलब आंसर यदा थ्री आ। हाँ जी बच्चों, प्रैक्टिकल करके तुम ज़्यादा समझ आ गई ना गल। हाँ जी प्यारे बच्चे, मेरे चैनल को शेयर सबसक्राइब एंड लाइक जरूर करो। ठीक है, मैं आशा कि तुम बहुत चंगी तरह समझ आई होगी क्योंकि मैं ये इंट्रोडक्शन भी बहुत चंगी तरह दसाया वा। जे बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ी 14.2 की उपर इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ो, फिर ज़्यादा समझ आती जो। ठीक है, जे किसी बच्चे को समझ नहीं भी आई होगी वो इंट्रोडक्शन जरूर पढ़े, फिर जल्दी ही समझ आ जूगी क्योंकि इस तीन चार गल्लों का ध्यान रखना होता ता समझ आती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।